जैसे आपके फोन के पसीने नोटिफिकेशन खोलने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे आप इस एक ऑप्शन को दबाकर हैकर्स को दावत दे रहे हो। और क्या आप इतने दिनों से गलत तरीके से अपने फोन को चार्ज कर रहे थे? जानने के लिए बने रहना नंबर कीपिंग फोन इन पॉकेट। कई लोग अपने फोन को अपनी शर्ट की जेब में रखते हैं, जो कि काफी गलत है। फोन से हर वक्त रेडिएशन निकलता रहता है, ऐसे में हमारी शर्ट की ऊपर वाली जेब हमारे हार्ट के पास होती है, जिसको रेडिएशन की वजह से नुकसान हो सकता है। और पिछले कुछ वक्त में ये भी देखा गया है कि जो लोग अपने हार्ट के पास फोन रखते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको अपने फोन को नीचे वाली जेब या फिर अपने बैग में रखना चाहिए। नंबर 7 इग्नोरिंग अपडेट्स। अक्सर फोन के अपडेट आते रहते हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ये कहकर कि इसको बहुत ज्यादा नेट चाहिए, बाद में कभी देख लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपडेट जो है वो आपके फोन को काफी ज्यादा सेफ बनाता है। और आपके फोन में कोई बग है तो उसे भी ठीक करता है, जो कि जरूरी है। वरना हैकर आपके ओल्ड वर्जन वाले फोन के बग को यूज करके आपके फोन में कब्जा कर सकते हैं। और अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो उससे भी आपका फोन स्लो होगा। अपडेट करने से बस आपको फायदे ही मिलेंगे, इसलिए अपडेट हमेशा करना चाहिए। नंबर 6 कीपिंग योर फोन डाउन। अगर आप फोन को स्क्रीन की तरफ रखते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जहाँ पर आप अपने फोन को रख रहे हो वहाँ पर काफी छोटी चीजें होती हैं, जो आपकी स्क्रीन को स्क्रैच कर सकती है और नुकसान दे सकती है। और वैसे भी आपके फोन के पीछे का कवर होता है, इसलिए आपको कवर की तरफ से ही फोन नीचे रखना चाहिए। नंबर 5 यूजिंग द रॉन्ग चार्जर। अगर आप एप्पल यूजर नहीं हो तो आपको अपने फोन के साथ चार्जर मिलता होगा, और आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए उसी चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जिस कंपनी का फोन है उसी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही फोन को देखकर बनाया जाता है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के लेकिन अच्छे कंपनी के चार्जर को इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई ऑफ ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्यादातर केस में फोन की कंपनी का ही चार्जर यूज करना चाहिए। और फोन की चार्जिंग को लेकर एक मिथ था कि उसका वायर नीचे रखने से वो ऐसा जल्दी फास्ट चार्ज होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा आप अपने फोन को ऐसा रखोगे तो आपका वायर और ज्यादा डैमेज हो सकता है, जिस वजह से आपके चार्जर का केबल खराब हो सकता है। नंबर 4 यूजिंग ईयरफोन ड्यूरिंग चार्जिंग। कई लोग फोन को चार्ज करते हो तो उसमें ईयरफोन लगा कर गाने सुनते हैं, उन्हें लगता है फोन भी चार्ज हो जाएगा, तब तक थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च में पता चला है कि चार्जिंग करते वक्त अगर ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और इसमें रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकलते हैं, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसलिए चार्जिंग करते वक्त ईयरफोन नहीं यूज करना चाहिए। नंबर 3 डाउनलोडिंग मलेशियस ऐप। कई लोग थर्ड पार्टी से ऐप डाउनलोड करते हैं, या फिर मॉड एपीके डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले जाते हैं, खासकर गेम्स के मॉड ऐप डाउनलोड करने के लिए। और इन्हीं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आपके फोन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊपर से मॉड गेम्स में बस कुछ वक्त का मजा आएगा, इसलिए नॉर्मल गेम ही ज्यादा बेटर है। नंबर 2 रिपेयरिंग फोन। अगर आप फोन को रिपेयर के लिए 2 दिन के लिए भी देते हो तो आप मुश्किल में हो सकते हो। अगर आप अपने फोन को कभी रिपेयर के लिए देते हो तो वेरीफाइड आदमी के पास ही देना चाहिए, या फिर किसी ऐसे को जिसे आप काफी अच्छे से जानते हो। अगर आप किसी लोकल फोन वाले को फोन रिपेयर करने देते हो तो काफी ज्यादा चांस है कि वो आपके फोन का अंदर से किसी पार्ट को निकाल लेगा, जिसके बारे में आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि भाई आपका फोन तो खराब हो चुका है। अगर आपका फोन का रिपेयरिंग बस कुछ मिनट का है कि वो आपकी आंखों के सामने कर देगा तो फिर आप दे सकते हो, लेकिन रिपेयरिंग में 2 दिन चाहिए तो ऑथराइज या फिर ट्रस्टवर्थी व्यक्ति को ही देना चाहिए। नंबर 1 जेल ब्रेकिंग और रूटिंग। कई लोग अपने फोन में मॉडेड फीचर का इस्तेमाल करने के फोन को रूट करते हैं, और ये करने पर आप कुछ और नहीं बल्कि अपने फोन के प्रोटेक्शन को हटा रहे हो। ऐसा समझो कि आप अपने फोन के बॉडीगार्ड को हमेशा के लिए छुट्टियों पर भेज रहे हो। अगर आपने अपने फोन को रूट किया तो फिर आपका फोन हैक हो सकता है। किसी भी हैकर के लिए रूटेड फोन हैक करना बहुत आसान होता है, और वो आपके बैंक और प्राइवेसी डिटेल भी ले सकता है। और अब तो प्राइवेट चीजें ऑनलाइन होती है, इसलिए आपको रूटिंग से दूर ही रहना चाहिए।